देख रहे हैं पल पल। स्वच्छ भारत मिशन और राज्य स्तरीय कार्यबल की एक बैठक चंडीगढ़ में मनोहर लाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों की विशेष रूप से ऐसे शहरों जहां दुधारू पशुओं की डेयरियां लगाई जाती है जिसमें गोबर प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि सीवरेज में रुकावट उत्पन्न हो। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में जब तक योजना तैयार नहीं हो जाती तब तक वाहनों का इस्तेमाल करके डेयरियों से गोबर एकत्र किया जाए और उसका भी उचित रूप से निपटान किया जाए। मुख्यमंत्री ने उन्हें गोबर से बायोगैस उत्पन्न करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश जारी किए। शोधित व्यर्थ पानी का समुचित उपयोग करने तथा उस पर विशेष बल देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज उपचार संयंत्रों के माध्यम से शोधित पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार 3 तालाब प्रणाली तथा 5 तालाब प्रणाली के माध्यम से शोधित अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल भी सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सीवरेज व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की महाग्राम योजना के तहत 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।